प्रोफेसर रियाज बलोच लीगल चैनल पे आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आज हम सीपीसी के आर्डर 10 को डिस्कस करेंगे कि आर्डर 10 में क्या है, उसमें कोर्ट्स के पावर क्या है, डिफेंडेंट का क्या रोल है, प्लेंटिफ का क्या रोल है, डॉक्यूमेंट्स का क्या रोल है, ये तमाम चीज़ें आज अंडर डिस्कशन आएंगी। आपसे जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि जब आप कोर्ट में सूट फाइल करेंगे तो आमतौर पर भी जिंदगी में यही होता है कि कोई चीज़ जब आप कहते हैं तो उसके सच्चाई को एडमिट करते हुए कहते हैं या उसकी सच्चाई को आप डिनाई करते हैं, उससे आगे फिर बात बढ़ती है। इस ऑर्डर 10 में भी यही कुछ है कि जब प्लेंटिफ जो कुछ कहता है, जो मुखालिफ फरीक है, जो डिफेंडेंट्स हैं, एक या एक से ज्यादा जितने भी हैं, वो उसको अपने प्लीडिंग के जरिए, आपको याद होगा कि पिछले सेशंस में मैंने प्लीडिंग को बहुत वजाहत से डिस्कस किया था कि प्लीडिंग होती क्या चीज़ है। तो डिफेंडेंट अपने प्लीडिंग के जरिए उसको डिनाई करेगा या उसको एडमिट करेगा या उसके कुछ हिस्से को डिनाई करेगा और कुछ हिस्से को एडमिट करेगा। अब ये पूरी जो चीज़ है वो सामने आ जाएगी कोर्ट की। अब कोर्ट की फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुरू होती है। अब कोर्ट ने क्या करना है, अब कोर्ट ने ये करना है कि सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि कोर्ट जरगा नहीं है, कोर्ट किसी कबायली सरदार का कोई, उसकी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे वो अपने रिया का, अपने लोगों का बैठ के फैसला करता है। उसके अंदर मुमकिन है कि रवायतें हों, लेकिन कानून उसको पाबंद नहीं करता। यही वजह है कि ऑर्गेनाइज्ड मुआशरों के लिए कवानीन का इतलाक होता है और कवानीन का इतलाक होना ज़रूरी है। और इस तरीके से ये कवानीन ड्यूरिंग दी लाइफ के मुख्तलिफ मराहिल के, ज़िंदगी के और समाजी ज़िंदगियों के मुख्तलिफ मराहिल में कवानीन जो है वो बने हैं और मुआशरा को लीगल फ्रेमवर्क में या लीगल नेट में लेके आया गया है ताकि मुआशरे में
जो ज्यादतियाँ हैं या इस तरह से जो होती हैं उन चीज़ों को ख़त्म किया जा सके। तो जो मैं पॉइंट बनाना चाहता हूँ इसमें, वो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि कोर्ट को ये अख्तियार नहीं है कि अपनी मर्जी करे, अपनी मर्जी नहीं कर सकती। यही फ़र्क है उस जगह का जो सरदार है उसका और उस कोर्ट के जज का या प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, यही बुनियादी फ़र्क है। यही बुनियादी फ़र्क है जिसकी वजह से आला अदालतों ने जर्गों को गैर कानूनी करार दिया है, इसलिए कि वो किसी ख़ास किस्म के कानून को फॉलो करने के पाबंद नहीं हैं। वो समाजी अपनी ताकत और असर की बुनियाद पर वो अपने मर्जी के फैसले करते हैं, फिर वो किसी के फ़ायदे में होगा, किसी के नुकसान में हो सकता है, या तमाम लोगों के फ़ायदे में या तमाम लोगों के नुकसान में हो सकता है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर कानून से हट के कोई फैसला करेगा तो उसकी लीगल रेमेडी मौजूद है, उसके लिए रिवीजन है, उसके लिए अपील है, उसके लिए खुद उस कोर्ट में रिव्यू का प्रोविजन मौजूद है। और अगर किसी हद तक उसकी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी भी मौजूद है, इन द सेंस के वो फैसले तो उस प्रोसीजर से रिवर्स बैक होंगे या उसमें तब्दीली आ सकती है, लेकिन जज के कैरेक्टर को जो आला अदालती निज़ाम है एडमिनिस्ट्रेटिवली भी लुक आफ्टर करती है और वो देखती है कि किसी तरीके से कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो सामने नहीं आए जिससे जो है वो कानून के की खिलाफ वर्जी हुई हो गई। इसकी इसके अंदर मैं एक चीज़ को डिस्कस ज़रूर करना चाहता हूँ कि जज या प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसका जो माइंड है उसके एप्लीकेशन का फैक्टर यहाँ पे ज़रूर है। उसके दानिश में जो उसने फैसला किया वो दुरुस्त किया तो यकीनन उस फैसले को आप जुडिशियल प्रोसेस के ज़रिए रिवर्स बैक करेंगे या उसमें कोई तब्दीली करेंगे। लेकिन कोई और फैक्टर्स अगर आपके सामने आते हैं, आप समझते हैं, तो वो कोई फैसले जजों के जज कम नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं। ये एक जो है वो कोर्ट भी है और एक डॉक्ट्राइन भी है। और आपने देखा कि चंद रोज पहले नवाज शरीफ के केस में कुछ वीडियोस मंजर पे आए हैं और उसके बाद उस जज के हवाले से कार्रवाई भी की गई है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला था लाहौर हाई कोर्ट का। तो मकसद जो है मेरा कहने का वो ये है कि जो शफाफियत को बरकरार रखने के लिए, कानून की मुकम्मल अमलदारी के लिए और इन सब चीज़ों के लिए पैरेलल प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं, लेकिन उन पैरेलल प्रोसीजर्स का अपना अपना तरीक़ाकार है। एक प्रोसीजर दूसरे को ओवरराइड नहीं करता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। तो वापस आते हैं अपने नुक्ते की तरफ कि जी जज साहब ने कोई ऐसा तरीका नहीं अख्तियार करना है जो इनकंसिस्टेंट हो कानून के नुक्ते निगाह से। जज साहब प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग शुरू करेगा, कह सकता है कि बाय वे ऑफ ऑर्डर कि इस केस को बहुत जल्दी में प्रोसेस किया जाए। फरीकैन के मर्जी से मंशा से विटनेसेस के लिए कमीशन बना सकता है, डॉक्यूमेंट्स एडमिट कर सकता है, और जो चीज़ें इंसाफ की फराहमी के लिए और पार्टीज़ के डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सेक्शन 151 CPC की बात
इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है जो कोर्ट के लामहदूद अख्तियार का तयन करता है, किसी और सेशन में 151 की जो का जो इस्तेमाल है और उसकी ज़रूरत क्यों है, उसके इस्तेमाल की ज़रूरत क्यों है, उस सेक्शन को CPCA में क्यों दाखिल किया गया है, उसका एकेडमिक इंटेलेक्चुअल और दीगर जो पहलू हैं उससे हम उसको डिस्कस करेंगे। और आम तौर पे 151 CPCA इस्तेमाल होती है, वो इनहेरिट पावर्स हैं कोर्ट के, जो है ना ऐसे पावर्स हैं कि जहाँ पे अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन मौजूद नहीं है तो कोर्ट उस सेक्शन से इस्तफादा हासिल कर सकती है फॉर द पासिंग ऑफ एनी अप्रोप्राइट आर्डर उस केस को सेटल करने के हवाले से या किसी कोर्ट से उस केस के मुतालिक। उसके बाद कोर्ट ये अगर पार्टीज ये कंसेंट देती हैं तो कोर्ट रिकंसिलेशन का प्रोसेस अडॉप्ट कर सकती है, मेडिएशन का कर सकती है, इसमें सालसी का जिक्र नहीं है आर्बिट्रेशन का, लेकिन आर्बिट्रेशन एक्ट खुद अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है तो आर्बिट्रेशन को भी आमतौर पे जजेस प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो है अपना जो है वो उसको भी इस मेथड को भी यूज़ करते हैं क्योंकि आर्बिट्रेशन खुद एक मुकम्मल ला है, लिहाजा हम उसके बहुत जुज़ियात हैं, अगर इसमें हम सिर्फ उसको यहाँ पे क्लोज करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगी, लिहाजा हम अगले अपने निशस्त सेशंस में हम जब दूसरे स्पेशल लॉज को डिस्कस करेंगे प्रोसीजरल लॉ से हट के तो फिर हम आर्बिट्रेशन एक्ट को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा वो एक मुकम्मल लॉ है, उसमें बहुत ज़्यादा कंडीशंस इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर लिमिटेशंस इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा उसमें और दीगर चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो कोर्ट को करनी होती हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना वो उसको फंक्शनल बनाने में उसको ऑपरेट करने के लिए। अब ये सारा मरहला मुकम्मल हो गया, अब आर्डर 10 का रूल 2 है वो असल में ओरल एग्जामिनेशन से मुतालिक है। ओरल एग्जामिनेशन से मतलब ये है कि आपने विटनेस बॉक्स में आए और विटनेस बॉक्स में जो पेलेंट है उसके कंटेंट्स को सपोर्ट करते हैं, उस कंटेंट्स को आप एग्री करते हैं, उस कंटेंट्स को आपने दुरुस्त कहते हैं, तो आपने आके विटनेस बॉक्स में बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ या अगर इन केस कहीं किसी खास पर्टिकुलर केस में कमीशन बनता है तो उसमें आके आपने ये करना है। और उसके बाद जब आप उस ओरल एविडेंस को कोर्ट के सामने पेश किया तो कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि उसको इट शुड बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग, वो सारी जो बात आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं वहाँ पे अपने केस के सपोर्ट में या आपके गवाह आपके अपने केस के सपोर्ट में जो चीज़ कह रहे हैं वो राइटिंग में आएगी, उसको वो कैसे राइटिंग में आएगी और फिर उस पर क्रॉस क्वेश्चन कैसे होंगे, ये कानून शहादत के हवाले से कानून शहादत में चीज़ें जो है ना वो दी गई हैं, हम कानून शहादत की जब स्टडी करेंगे तो हम उस चीज़ों को भी टच करेंगे, लेकिन इधर सिर्फ एक बात मैं बताऊंगा कि जब आप वो गवाही को आप कोर्ट के सामने देंगे तो आपके ऊपर आपका जो मुखालिफ फरीक है या आपके गवाह के ऊपर आपके जो मुखालिफ फरीक है वो यकीनन उनका ये हक इस्टेब्लिश हो जाएगा कि
उसके ऊपर चरह करें, उस पर क्रॉस करें, इन ऑर्डर टू असर्टेन द ट्रुथ एंड रियलिटी ऑफ इशू अंडर डिस्कशन और इशू अंडर डिस्प्यूट। और आपको भी यह हक है, मैं अगली जगह पे ये बात नहीं कहूँगा, अभी मैं कह देता हूँ ताकि मज़ीद क्लैरिटी हो, कहीं कन्फ्यूज ना हो, आप ये समझना शुरू ना कर दें कि पेरेंटिव को तो ये राइट है कि उसके ऊपर कोई क्रैस करे, लेकिन डिफेंडेंट को ये राइट नहीं है कि उसके गवाह पर पेरेंटिव क्रेस करे, क्रैस करे। पेरेंटिव को भी ये हक है, और इसी तरह से डिफेंडेंट को भी ये हक है कि जब डिफेंडेंट गवाही के लिए विटनेस बॉक्स में आएगा तो पेरेंटिव को ये राइट है कि वो उस के सच्चाई को साबित करने के लिए, उसके हकायक को सामने के लिए, उसकी ट्रुथ को जो है ना वो सामने लाने के लिए आप क्रॉस कर सकते हैं डिफेंडेंट से। और इसी तरीके से एक और चीज़ की मैं वजाहत करना चाहता हूँ जो बहुत ही अहम है, जब आपके कोई एजेंट होता है, कोई आपका अटॉर्नी होता है, चाहे वो पेरेंटिव है चाहे वो डिफेंडेंट है, वो जब आते हैं कोर्ट में तो बहुत सारी चीज़ों का उनको पता नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों का उनको पता होता है क्योंकि वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी को। तो अगर किसी स्टेज पे या फौरी तौर पे या किसी स्टेज पे किसी भी सवाल का जवाब वो नहीं दे पा रहा तो वो टाइम ले सकता है और कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि वो जो एक्चुअल बंदा है जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसको कोर्ट में कॉल करे और वो उस जवाब सवाल का जवाब दे ताकि ट्रुथ जो है वो असर्टेन हो, ट्रुथ जो है ना सामने आए। तो ये एक प्रोसीजरल लॉ के इम्पॉर्टेंट पहलू हैं। ये मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि ये जो है वो प्रोसीजरल लॉ है, इसमें सिर्फ प्रोसीजर का तयन किया गया है कि कोर्ट किस तरह से चीज़ों को प्रोसीड करेगा, पेरेंटिव के क्या राइट्स हैं, डिफेंडेंट्स के क्या राइट है, राइट किस चीज़ के, राइट टाइटल पे नहीं, राइट किसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप पे नहीं, कोर्ट के अंदर जो ट्रायल हो रहा है किसी के उसके अंदर पेरेंटिव के और डिफेंडेंट के क्या राइट्स हैं और कोर्ट की क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या पावर्स हैं, क्या अख्तियार हैं, ये सारी चीज़ें जो है इस प्रोसीजरल लॉ का हिस्सा है। और इस प्रोसीजरल लॉ को कंपाइल ही इसलिए किया गया, इसको लेजिस्लेटिव इसलिए किया गया कि किसी न किसी चीज़ पे जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए ताकि जो है ना वो चीज़ें सेटल हों अपने तरीक़ेकार के मुताबिक। तो ये सारे मामलात हैं जिस पे हमें जो है ना डेफिनेटली जो है वो करना है, समझना है उसको। और फिर हम आर्डर 11 पे आते हैं, सॉरी आर्डर 12 पे आते हैं। अब आर्डर 12 क्या है? आर्डर 12 बुनियादी तौर पे एडमिशंस कैसे होती हैं उसका, उसकी वो है क्या, बुनियादी तौर पे एडमिशंस क्या है, इस पे हमने डिस्कस करना है। ये एडमिशन ये है कि अगर कोई पार्टी, अब यहाँ पे पार्टी का मतलब पेरेंटिव डिफेंडेंट दोनों है, अगर मैं पेरेंटिव कहूँ या डिफेंडेंट कहूँ तो और चीज़ हो जाती है, पार्टी का मतलब दोनों फरीक हैं, दोनों फरीक में कोई भी जो है अगर किसी फरीक को राइटिंग में नोटिस करता है और वो कहता है कि ये जो प्लीडिंग हैं उनको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो इसकी सच्चाई को तस्लीम करते हैं, उसके पूरे हिस्से को, उसके कुछ हिस्से को या बहुत थोड़े हिस्से को, जो भी जिस तरह भी है, लेकिन उसकी एडमिशन होती है या डिनाइल होती है, जो भी है इसको एडमिशन कहते हैं।
एडमिशंस कहते हैं। अब एडमिशंस के कई तरीके हैं, मतलब इन द सेंस तरीके से मतलब मेरा ये है कि मुख्तलिफ किस्म की एडमिशंस हैं, उनको डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे कि उसका क्या तरीक़ाकार है। लेकिन आज हमने आर्डर 10 और आर्डर 12 को डिस्कस किया, और मैं ये समझता हूँ कि आपने इस लेक्चर से इस्तफादा किया होगा, और मैं हमेशा इस बात का ज़िक्र करता हूँ अपने लेक्चर्स के ज़रिए कि ला एक तो लेजिस्लेट होता है, दूसरा बाय वे ऑफ जजमेंट्स वो डेवलप होता है, दोनों का वही फोर्स है। लेकिन एक वकील, एक एडवोकेट, एक काउंसिल, एक फरीक जो भी हो, उसको अपने शऊर और अपने दानिश के मुताबिक जिस तरह उसको समझता है, उस जिस तरह उसको अंडरस्टैंड करता है, उसी तरीके से कोर्ट में प्लीड करता है अपने केस के हक में। ज़रूरी नहीं कि उसके उस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट किया जाए। सेम गोज फॉर मी हियर कि मैंने जिस तरह से समझा है, जिस तरह से इसको महसूस किया है, जिस तरह से मेरे कॉन्शियस के मुताबिक मैंने ठीक समझा है, मैंने एक्सप्लेन किया है। ज़रूरी नहीं कि आप में से कोई पढ़ने वाला, सुनने वाला, देखने वाला इसको एक्सेप्ट करे। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जारी रहना चाहिए। कमेंट्स को, राय को, इख्तलाफ़ राय को वेलकम किया जाएगा, क्योंकि हमारा मकसद ला को सहल तरीके से अवामुन्नास, लर्नर्स, बिगनर्स और वो सारे लोग जो इस पर दिलचस्पी रखते हैं उन तक पहुंचाया जाए। बहुत शुक्रिया।